अरे टुनटुनी बहन, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। कहाँ थी तुम? क्यों कालू भैया, मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? अरे टुनटुनी चिड़िया सुनो, मेरी तो उम्र हो रखी है, लेकिन अभी मैं माला माल होने वाला हूँ। अच्छा, कैसे? मैंने लाइफ इंश्योरेंस करा रखा था, 50 लाख रुपए मिलने वाले हैं मुझे 2 महीने में। अच्छा कालू भैया, तब तो बहुत अच्छी बात है। आपने अब तक शादी नहीं करी है, आपको तो शादी कर लेनी चाहिए। हाँ हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ, कोई बढ़िया सी कौवी मिलती तो मैं भी ब्याह कर लेता टुनटुनी। अरे हाँ भैया, आप ढूंढो अपने लिए कौवी, मैं चली अपने बच्चों को खाना खिलाने। कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवे की बात दूर बैठी गौरी कौवी सुन रही थी। अरे वाह, ये बुढ़ा कौवा तो मालदार बनने वाला है, 2 महीने में ही इतनी कमाई, इतनी दौलत। अरे वाह, मैं ही क्यों ना इससे ब्याह कर लूं। लेकिन ये बहुत बुढ़ा है, तो क्या हुआ? इसके पास पैसे तो बहुत हैं, फिर तो ये जल्दी ही टपक जाएगा। चलती हूँ मैं, अपनी माँ से बात करती हूँ। गौरी कवि वहाँ से भागी भागी अपनी माँ के पास पहुँचती है। माँ माँ, कहाँ से आ रही है तू? एक तो जान खा रही है, बता। माँ, आज मैंने देखा एक बुढ़े कौवे को, उसके पास 50 लाख रुपए आने वाले हैं। अगले 2 महीने में वो पूरा मालदार बनने वाला है। मैं सोच रही हूँ मेरा ब्याह करा दो उससे, अगर ऐसा हो गया तो मैं तो मालदार बन जाऊंगी और हम लोगों की गरीबी भी खत्म हो जाएगी। अच्छा, ऐसा हो जाए तब तो बहुत अच्छा है। मैं भी सोच रही हूँ, तो कब से मेरे सीने में दाल दरती रहेगी घर में बैठ के। चल चल, कुछ तरकीब निकाल। हाँ माँ, मैं ऐसा करती हूँ, वो बुढ़ा रोज सुबह सुबह नदी के किनारे आता है, मैं जाती हूँ उसे लिपस्टिक वगैरह लगा के पटाती हूँ। जा जा जा, जाके जल्दी से पटा उसे। अरे ओ ऊपर वाले, थोड़ी मदद मेरी गोरी कवि की भी कर दो, कुछ तो इसकी सुंदरता काम आए। अगले दिन गोरी कवि नदी के किनारे पहुंचती है। वहां कालू कौवा नहाकर पहले से ही खड़ा रहता है। गोरी कवि पहुंचते ही उसकी तारीफ करने लगती है। अरे वाह, कितनी खूबसूरत कौवा है, अब मैंने आपको पहली बार जंगल में देखा, मुझे तो पता ही नहीं था इस जंगल में इतने खूबसूरत कौवे भी रहते हैं। मुझसे कह रही हो? हाँ हाँ, मैं आपसे ही कह रही हूँ, आप कितने खूबसूरत हो। मैं खूबसूरत? हाँ, लग तो मुझे भी रहा है कि मैं खूबसूरत हूँ। मैं चाह रही थी आप मेरे से शादी करेंगे क्या? अरे नेकी और पूछ पूछ, लेकिन मेरी और तुम्हारी उम्र में बहुत अंतर है, मैं थोड़ा बूढ़ा हो चुका हूँ। अरे क्या बात करते हैं आप, ऐसे बुढ़ापे की थोड़ी बात होती है, आप दिल से जवान हैं और यही मेरे लिए काफ़ी है, मैंने तो पहली नज़र में ही आपको पसंद कर लिया था। पसंद तो मैंने भी कर लिया था, मैं भी एक कवि ढूंढ रहा था। अच्छा बताओ, तो फिर बारात लेकर कहाँ आऊँ मैं? मैं इस जंगल के सबसे बड़े पेड़ पर रहती हूँ, वहीं पर आ जाओ आप बारात लेके। कालू कौवा खुश होकर पहुँच गया टुनटुनी चिड़िया के पास। अरे ओ टुनटुनी, टुनटुनी जल्दी घर से बाहर निकलो। टुनटुनी निकली बाहर। क्या है भैया? कालू भैया, आज तो बड़े खुश लग रहे हो और उतावले भी लग रहे हो। हाँ टुनटुनी, बात ही कुछ ऐसी है, मुझे मेरे सपनों की रानी मिल गई है, मेरी कौवी। अच्छा, कहाँ मिली? अरे वही नदी किनारे, उसने मुझे बताया मैं कितना खूबसूरत हूँ। अच्छा कालू भैया, लेकिन इतनी जल्दी किसी को जाने पहचाने बगैर, क्या सोचा है आपने? अरे मैंने सोचा है मैं शादी करूँगा, मैंने तो बारात की तैयारी भी कर ली है, तुम्हें भी चलना है।
कालू भैया जरा समझ लेते उस कौवे के बारे में। अचानक से तुरंत इस तरीके से निर्णय लेना अच्छा नहीं है। अरे टुंडुनी, तुम बहुत परेशान होती रहती हो, इससे अच्छा मौका कब मिलेगा? अब मेरी उम्र भी निकल जाएगी, तब मिलेगा क्या? चलो अब जैसा आपको ठीक लगे कालू भैया, आप खुश हो तो हमें क्या दिक्कत है। कालू कौवा अपने दोस्तों के साथ लेकर बारात लेकर पहुंच जाता है गोरी कौवी के घर पर, और वहां गोरी कौवी की माँ तारीफों के पुल बांध देती है। अरे वाह, कितना सुंदर जमाई मिला है मुझे, बहुत अच्छा जमाई मिला है, बहुत अच्छे हो तुम। अरे माजी, आपकी बेटी भी बहुत सुंदर है, मैं तो इन्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं इसे रानी बना कर रखूँगा। हाँ, मेरी बेटी को रानी ही बना कर रखना, मेरी भी उम्मीदें तुमसे ऐसी ही है। टुनटुनी चिड़िया सोच रही होती है, अरे ये अचानक से बेकार में और झूठी तारीफ क्यों कर रही है इसकी माँ, कुछ तो दाल में काला जरूर नजर आता है। फिर सारे बारात लेकर वापस आ जाते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों अपने घर में भी पहुंच जाते हैं। अरे वाह, आपका घर तो बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है। अरे अभी ये तो कुछ भी नहीं है, 50 लाख आने वाले हैं अगले 2 महीने में, मैं इससे भी बड़ा घर लेने वाला हूँ, तुम मेरे साथ बहुत खुश रहोगी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे अभी पैसे आने में दिन थे और कालू कौवा की फरमाइशें बहुत थी। अरे गोरी कौवी, मेरे लिए चाय लेके आओ। ये लो, मैं लेके आई। अरे गोरी कौवी, मेरे लिए गरम पानी लेके आओ, मैं नहाऊंगा। ये लो, ये लाई। अरे बाप रे, मैं तो मरी जाऊंगी, इस बुड्ढे की सेवा करते करते कब ये जाएगा, मुझे मायके जाना पड़ेगा, माँ से बात करनी होगी। अजी सुनते हो? हाँ हाँ बोलो। मैं सोच रही थी थोड़ा माँ को देखा तू, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। अरे चली जाओ, मैं भी चलूँ क्या साथ? नहीं नहीं, आप यहाँ रुको, मैं सुबह जाऊंगी, शाम को आ जाऊंगी। ठीक है गौरी, जल्दी आ जाना, तुम्हारे बिना मन नहीं लगता है। हाँ हाँ आ जाऊंगी। और फिर वो मन में सोचने लगती है, बुढ़ाऊ फ्री की जो नौकर हूँ, क्यों मन लगेगा तुझे। आखिर गौरी कौवी उड़कर पहुँचती है अपनी माँ के पास, वहाँ उसके मामा भी आए हुए थे। अरे मामा जी, आप भी हो यहाँ? माँ मेरा तो बुरा हाल हो गया है, कुछ उपाय सोचो उस बुड्ढे को हटाने का, मैं तो मरी जाऊंगी उसके घर में काम कर कर के। हाँ हाँ मैं भी वही सोच रही थी, मेरी बेटी को परेशान करके रखा है। अरे जग्गू, कुछ उपाय लगा उस बुड्ढे को ऊपर भेज। अरे बहना, इसीलिए तो मैं आया हूँ, मैं हूँ तो फिर क्या फिकर है, ये लो ये सीसी है जहर की, उस बुड्ढे को दे देना, वो चल बसेगा। अरे मामा जी, ये तो बड़ी अच्छी तरकीब है। काली कौवी उसे लेकर जाने लगती है, रास्ते में उसके पंजों से छूटकर वो सीसी नीचे गिरती है। जब वो सीसी वापस से उठा रही होती है, वहीं पर टुनटुनी चिड़िया थी। अरे गौरी बहन, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या चीज की है ये सीसी? अरे कुछ नहीं, कालू कौवे को थोड़ा बुखार है, उनके लिए दवा लेने गई थी, वही है ये सीसी। अब मैं जा रही हूँ, बाद में मिलूंगी। अरे इसे क्या हो गया, इतनी जल्दबाजी में क्यों है ये, कोई मुसीबत तो नहीं है, मैं पीछे पीछे चलती हूँ। गोरी कौवी आगे आगे भागी जा रही थी।